अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं ब्लैक चिकपीस, काले चने, जो शोरबे वाले बनते हैं ना, बहुत मज़े के बनते हैं, चावलों के साथ, रोटी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? मैंने ये रात को एक कप चने पानी में भिगो के रख दिए थे, सुबह में इसका वॉश अच्छे से कर लिया, उसका पानी निकाल दिया। तो ये हमें चने चाहिए। एक लार्ज साइज़ में हमें टोमेटो चाहिए, इसको मैंने यहाँ से काट लिया है। और एक लार्ज साइज़ में हमें अनियन चाहिए, इसको भी मैंने काट के ऐसे रख लिया है। और हमें इसके लिए नेक्स्ट ये चाहिए जिंजर एंड गार्लिक, ये मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून जिंजर एंड 1 टेबल स्पून गार्लिक। और इसके लिए हमें जो स्पाइसेस दरकार हैं, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून एंड कश्मीरी लाल मिर्च। कलर के लिए बहुत अच्छी होती है, उस सूप पे जो कलर आ जाता है ना, बहुत मज़े का लगता है। तो ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। अब हमें आगे एक प्यारा सा प्रेशर कुकर चाहिए, उसमें ऑलरेडी मैंने वाटर ऐड कर लिया हुआ है। वाटर आपने इतना ऐड करना है कि हमारे चने अच्छे से गल जाएँ, डबल वाटर ऐड करना है इसके लिए। तो चले मैं डालना शुरू करती हूँ इसमें, ये मेरे चिकपीस इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े के बनते हैं, हेल्दी हैं, इजी हैं। अनियन ऐड कर दिया, इसमें मैंने टोमेटो ऐड कर दिया, नेक्स्ट जिंजर गार्लिक चॉप जो किया था मैंने वो ऐड कर दिया। अच्छे से सारे बटन साफ करें। और नेक्स्ट मैंने ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए। और अब मैं अपने प्रेशर कुकर को इसका लिड करूँगी, इसको करूँगी क्लोज। चलें अब मैं इसको पकाऊंगी जब तक ये चने गल जाए अच्छे से, उसके बाद मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। फिर इंशाल्लाह जब इसको भूनने का टाइम आएगा फिर मैं आपको मिलती हूँ। ओके जी। जी तो फ्रेंड्स, मैंने स्टोव के कुकर रख दी है, जिसे स्टार्ट हो गई है। और अब इसको मैं 10 मिनट तक पकने के लिए रखूँगी, जब तक चने गल ना जाए। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर। जी तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं स्टोव ऑफ करने लगी हूँ और इसकी गैस रिलीज करने लगी हूँ। इसकी गैस रिलीज हो जाए तो मैं फिर आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये मैंने बॉईल कर लिया अच्छे से। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं मेरे चिकपीस। अब मैं यहाँ पे ये 1 कप ऑयल ऐड करूँगी इसको भूनने के लिए। 1 कप ऑयल चला गया यहाँ पे। और ये मसाले, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं जब भूनने के टाइम इनको डालते हैं। 1/2 टीस्पून कोरिएंडर लिया है पाउडर, और ये 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा। इसको मैं डाल के अच्छी तरह अब भून लूँगी, अच्छे से भून के। और उसके बाद मैंने ये जो इसका वाटर निकाला है अभी, मैं दोबारा इसको डालूंगी। बहुत अच्छे और मज़े के जो चिकपीस बनने वाले हैं। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें, अच्छी तरह भुन चुके हैं मेरे चिकपीस। जो मैंने ऑयल डाला था, मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल लिया था, मुझे कम लगा था। अब जो मैंने सूप इसका निकाला था उसी को ऐड करूँगी और इसी का मैं शोरबा बनाऊँगी। ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छा सा प्यारा सा कलर इसका आ जाए, बाहर आ जाए। फ्रेंड्स, मैं जब भी खाना बनाती हूँ, मैं ऊंची आवाज़ में नहीं तो मैं दिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती रहती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका खाना भी लजीज मज़ेदार बनता है और खाने में बरकत भी पड़ जाती है। तो आप भी इस टिप को फॉलो कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, तो ये काले चने जो मैंने बनाए हैं उसकी फ़ाइनल लुक है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर स्प्रिंकल करूँगी, ये हो गया। थोड़ी सी ग्रीन चिली आप इसमें ऐड करें। और ये मैंने साथ में अदर स्टोव पे मैंने साथ राइस भी कुक कर लिए थे। मेरे बच्चे राइस के साथ पसंद करते हैं, रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है ये सालन। तो आप भी अपने फैमिली के साथ इतनी ईजी, अच्छी, आसान रेसिपीज़ बनाएं और इन्जॉय करें।
तो मैं अब अपने बच्चों को सर्व करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना। मेरे बच्चे आपको बताएंगे, मेरे बेटे आपको बताएंगे ये कैसा बना खाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। खाना खाने की दुआ, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्ला। चले आन अरहम मेरे शहजादे, खा के दिखाएं कैसा बना है। मजे के सो मच यम्मी, रियली मजे के। यस, आपको भी यार अच्छा लगा। यस, वेरी डिलीशियस। चले वेरी गुड, खाएं मेरी जान खाएं जी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वैसे तो मैं भी यूट्यूब पे न्यू मेंबर हूँ, तो अगर आप भी न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह आपको नई रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय बाय।